बेड थोड़ा सा दोनों तरफ से गद्दे उठे हुए थे, तो मैंने दोनों तरफ से खोलकर देखा तो कपड़े थोड़े उलझे हुए थे, जैसे मैं नहीं रखती हूँ, तो मैंने उसको हटा के देखा तो वो मुझे उसके अंदर से मिला, बेड के अंदर से मिला, बहुत ही वर्स कंडीशन में मिला। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे खबर आप सुनते हैं जो आपको जो है झकझोर कर रख देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रपुरी में, और इंद्रपुरी से बृहस्पतिवार को एक ऐसी घटना सामने आई जो वाकई में जो है रूह को कपा देगी। हम आपको बता दें कि जिस तरह से 11 साल का बच्चा जो कि घर में रहता था, माता पिता जो है उसे छोड़कर काम करने जाते थे, उसकी जो है उसके पिता के जो है गर्लफ्रेंड ने, महिला मित्र ने जो है उस बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। एक बार तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर जो है साफ तौर पे पुलिस ने जो है पूरे प्रक्रिया में FIR दर्ज कर ली है, मामले की छानबीन कर रही है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये जो कमरा है इसके सेकंड फ्लोर पे वो माता पिता रहते हैं दिव्यांश के, और दिव्यांश भी जो है अपने माता पिता के साथ यहीं पे रहता है। लेकिन यहाँ से ऊपर सेकंड फ्लोर पे तस्वीर दिखाइए, जब हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है बात करने से मना कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला यही बताया जा रहा है कि 11 साल का बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई गला घोटकर, शव जो है बेड बॉक्स के नीचे रखा गया था। अब सोचिए कि कितनी बड़ी ये आपराधिक घटना जो है सामने आई है, किस तरह से जो है एक महिला के अंदर इतने जो है खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, और उसके अंदर जो है किसी प्रकार की किसी की भी कोई चिंता नहीं कि एक माँ की जो है उसने बेटी को छीन लिया, और उसने जो है उसके ऊपर पहले तो घर का जो है उसने चाबी ढूंढा, उसके बाद चाबी ढूंढ कर उसे खोला, और खोलने के बाद जो है वो घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद एक लड़के की बेरहमी से जो छोटा सा बच्चा मासूम सा उसका गला दबाकर हत्या कर देती है, और उसके बाद जब उसे जगह नहीं मिलती है छुपाने की तो उसे जो है घर के बेड के अंदर ही छुपा देती है। तो ज़रा सोचिए किस तरह की जो है ये खबर है कि सामने आई अपने आप में, एक छोटा सा बच्चा जो रूह कपा दे आपको। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो वो महिला थी उसका नाम पूजा था, और उसका जो अफेयर था दिव्यांश के पिता के साथ पिछले 4 सालों से चल रहा था, रिलेशन में थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांश की माँ से नाराज़ थी, वो चाहती थी कि उसका जो पिता है वो उसके साथ रहे, लेकिन इसी बात को लेकर जो है अनबन हुई। हालांकि जब माता पिता परेशान हुए, जब शाम को घर पहुँचे, उनका बेटा जब उनके कमरे में नहीं मिला, जब घर में नहीं मिला, तो वो जो है ये भी बताया कि वो डांस क्लास करता था, डांस क्लास में उसे ढूंढा गया, जहां वो खेलता है वहां भी ढूंढा गया, तमाम जगह पे छानबीन करने के बाद जब वो नहीं मिला तो जो दिव्यांश के पिता है उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है उसी महिला का, उसी लड़की का, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ, और सोचो कि अगर तुमसे भी कोई सबसे प्यारी चीज़ अगर छीन ली जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और वाकई में जो है उस महिला ने छीन लिया। हालांकि जब उनकी माँ, दिव्यांश की माँ जब घर में पहुंची तो घर में उन्होंने देखे तो सामान इधर से उधर बिखरे पड़े थे, उन्होंने उनको शक हुआ और उन्होंने जो है अपने बेड को उठा के देखा तो बेड के अंदर जो है उनके बेटे 11 साल का मासूम बच्चा दिव्यांश का जो है डेड बॉडी मिला। एक बार तस्वीर दिखाइए, ये वही गली है, ये वही सेकेंड फ्लोर की बिल्डिंग है जहाँ पर जो है दिव्यांश रहता था। अभी बच्चा जो है 11 साल की थी, उम्र बताई जा रही है। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं जो है एक समाज में अलग तरह की किस तरह से घिनौनी हरकतें की गई है ये आप सोच सकते हैं। हालांकि पूरे मामले में जो है पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, बच्चे को जो है जैसे ही हॉस्पिटल लेके गया गया वहाँ पर जो है बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और डॉक्टरों के द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि किस तरह से एक बच्चा जो अकेले घर में रहता था, माता पिता काम करते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती जो कि रिलेशन यानी कि पिता के रिलेशन बच्चे पे भारी पड़ गया। अभी उनकी माँ की भी बात है, वो भी सुनिए आप साफ तौर पे कि किस तरह से जो है वो कह रही है। मैं ऑफिस से घर आ रही थी, 6:45 पे मेरे पास डांस टीचर का कॉल आया कि दिव्यांश आज आया नहीं है। उसके बाद मैं घर गई तो घर में थोड़ा सा मेस्ड अप हो रखा था और बेड के ऊपर माइक्रोवेव और स्टूल वगैरह रखा हुआ था, तो मुझे लगा और लॉक बाहर से लगा हुआ था, हम दोनों के पास कीज होती हैं, तो मैंने अपनी की से वो डोर ओपन की लॉक ओपन किया क्योंकि उसकी की जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करते हैं वहाँ नहीं थी। उसके बाद मैं अंदर गई बट मुझे ये लगा कि वो समटाइम्स घर साफ नहीं करता है, तो मुझे लगा कहीं बाहर होगा, मैंने लॉक किया, मैं फिर से बाहर चली गई।
और मैंने सब जगह देखा उसके डांस क्लास में जहाँ वो खेलता है पार्क में उसके फ्रेंड के यहाँ, वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं घर आई, मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वो कहीं नहीं मिल रहा है। और फिर वहाँ पास में ही मेरा एक मुगोला भाई है, मैंने उसको भी फ़ोन किया, सब लोग ढूंढने लगे लेकिन कुछ आइडिया नहीं मिला। फिर उसी टाइम पे जितेंद्र को उस लड़की का कॉल आया, मेरे हस्बैंड कॉल आया कि मैं तुम दोनों की लाइफ से, तुम दोनों जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना उसको ही हटा दूं। तो उसके बाद हमें डाउट हुआ क्योंकि वो थ्रेटन 4 सालों से चल रहा है, तो हमें डाउट हुआ। उससे उसको कॉल पे लेके बात की, वो बहुत ही काम डाउन होकर बात कर रही थी और जैसा लग रहा था कि वो पता चल रहा था कि कुछ वो उसने किया है। मैं बहुत चीखती रही हम दोनों उसकी बता दो, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, मैंने माइक्रोवेव वगैरह हटाया, उसके फुटवेयर देखे मैंने कि सारे फुटवेयर उसके घर पर ही थे, उसके स्लीपर्स भी घर पे ही थी, फिर बेड थोड़ा सा दोनों तरफ से गद्दे उठे हुए थे। तो मैंने दोनों तरफ से खोलकर देखा तो दूसरी साइड नहीं मिला। जब फ्रंट साइड में उसको खोला मैंने तो कपड़े थोड़े उलझे हुए थे, जैसे मैं नहीं रखती हूँ, तो मैंने उसको हटा के देखा तो वो मुझे उसके अंदर से मिला, बेड के अंदर से मिला, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में मिला। मैंने तुरंत बुलाया ऊपर वाले फ्लोर से जो नेबर हैं, वो आए उसको उठाया, फिर हम नियरेस्ट क्लिनिक ले गए। वहाँ उन्होंने बोला कि आप इसको एमरजेंसी में लेके जाइए, तो हम उसको BLK लेके गए एमरजेंसी में और तुरंत ही उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद सब सारा एक्शन हुआ, पुलिस आई, वो अपना पूरा एक्शन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरी रात से उनकी टीम इस चीज पे लगी हुई है। तो पूरी बात सुनी आपने ANI की, हमने आपको रिपोर्ट सुनाई और साफ तौर पे उनकी माँ जो है उसके ऊपर आरोप लगा रही थी और वही हुआ, उनको जो शक था वही बाहर भी निकला। तो ये साफ तौर पे समझने वाली बात यह है कि किस तरह से जो है एक महिला ने एक घर के एक बच्चे को, एक चिराग को जो है किस तरह से मौत की नींद में सुला दी, मौत से जो है उसे। अब पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, महिला की खोज जारी है, लेकिन महिला अभी जो है फरार बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।